हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज इतना वाइब्रेंट डे है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। पहले हम सोच रहे थे कि चलो बाहर चले चलते हैं, बट क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अभी थोड़ी सी ईज़ हुई हैं और इतना अच्छा वेदर है, तो जो भी पब्लिक प्लेस जो अलाउड हैं, जो ओपन हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा खासा क्राउड होगा। सो नॉट गुड आइडिया, बट हम गार्डन में बैठ के आज अच्छे से धूप का मज़ा लेने वाले हैं। हवा भी बहुत ज़्यादा नहीं है और गर्म सा है। मैंने विंडो भी ओपन की हुई है, अद्वि के रूम की भी ओपन की हुई है, तो बिल्कुल वह स्प्रिंग वाला जो वेदर होता है ना, वो वाली फील आ रही है। तो लग रहा है कि बस अब थोड़े 2-4 दिन बाद ना होली आ जाएगी। एग्जैक्टली वही वाला वेदर है जैसे होली के आसपास होता है। बट आई थिंक नेक्स्ट वीक जो है ना, वो बहुत बारिश दिखा रहा है फोरकास्ट में। मैंने कल चेक नहीं किया कि आज इतना अच्छा वेदर होने वाला है और बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। मैं कल अगर मेहंदी भी बो के रख देती ना, तो आज इतना अच्छा वेदर था, मैं आराम से सर में मेहंदी लगाती, बट ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और इतने दिन से हो रहा है कि मुझे मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है, वेदर अच्छा होगा, बट जब वेदर अच्छा हुआ तो मैं भूल गई। चलो देखते हैं, कल भी थोड़ी बहुत धूप दिखा रहा है बट क्लाउडी सा है, सो लेट्स सी, क्या पता मैं कल लगाऊँ। ओके, फिलहाल का क्या प्लान है? सुबह का तो सारा काम हो गया है, नहा धो लियो, अभी कॉम नहीं किया है मैंने, थोड़े से बाल गीले से ही नहाते हुए हो जाते हैं ना, यहाँ से गीले, तो जब तक अच्छे से बाल सूख नहीं जाते हैं ना, मैं तब तक कॉम करती नहीं हूँ। और ऐसे ही जब सिर धुलता है, तो बहुत से लोग हैं ना जो गीले बालों में कॉम कर लेते हैं, मैं नहीं करती हूँ क्योंकि टूटते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरे जो बाल हैं ना, वो वैसे भी टेक्स्चर होता है ना बालों का, मेरे बाल बहुत थिन हैं, बहुत थिन है, तो जरा सा भी गीले बालों में करें ना, तो फिर इतने इतने उतरते हैं। कुछ लोगों का बाल मोटा होता है, कुछ का पतला होता है, तो मेरे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली थिन है मेरे हेयर, तो जब सूख जाएंगे तभी कॉम करूँगी। तो मैं जा रही हूँ नीचे, और लंच में तो अभी टाइम है, और लंच में भी हमारा बहुत सिंपल सा होने वाला है, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ कुछ मीठा स्पेशल। कल को एक खास दिन है, व्लॉग अगर रिकॉर्ड करा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो आगे किसी व्लॉग में मैं बता ही दूँगी आपको। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि मीठा बनाऊँ, और मीठा भी वो जो घर में सबको पसंद है। अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, देन यू नो कि मैं इंडियन शॉप गई थी काफ़ी टाइम पहले, जब हम आई थिंक नॉटिंघम हम गए थे, तो वहाँ से ना मैं एक रेडीमिक्स लेकर आई थी गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन की रेसिपी मैंने बहुत बार चैनल पे शेयर की हुई है, बट आज डिफरेंट स्टाइल का बनेगा, आज रेडीमिक्स से बनाऊँगी। तो इस वाले से मैं पहली बार बना रही हूँ। रेडीमिक्स मैंने पहले भी बनाया जब मैं दिल्ली थी, यहाँ के तो कभी नहीं बनाया। दिल्ली थी तो गिट्स का मिलता था ना, तो वो वाला अब भी मिलता होगा, तो उससे बनाती थी मैं, अच्छे बन जाते थे। तो ये वाला मैं अभी ट्राई करूँगी, अगर अच्छा बना शेयर करूँगी आपके, जो जैसे जैसे बनाऊँगी वो सब तो मैं शेयर करूँगी, और कैसा बना कैसा आउटकम, चीज़ें बन तो जाती हैं पर टेस्ट कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अच्छा लगा तो जो लोग यहाँ के हैं, यूके के, और जिनको है कि हाँ गुलाब जामुन का कुछ इस तरह से रेडीमिक्स मिल जाए, तो फिर आप लोग खरीद लेना, बना के देख लेना, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। और यस, घर में सबको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, अद्वि को पसंद है, साहब को पसंद है, तो वही बनाऊंगी। और साथ ही आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी शेयर करने वाली हूँ, जिसका मुझे कब से वेट था, और वीडियो स्किप मत कर देना, ठीक है, देखते रहना। तो चलो नीचे चलते हैं, और चलने से पहले एक रिमाइंडर रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लिया करो, बिना सब्सक्राइब किए देखते हो, मेरे एनालिटिक्स में ना सारी चीज़ें आ जाती हैं कि बिना सब्सक्राइब करे देखते हो, जस्ट वन क्लिक, कम्प्लीटली फ्री नोटिफिकेशन इतना मिलता है। अगर वीडियो देखते हो, इन्जॉय करते हो, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, जल्दी से 400K कराओ ना। आई एम जस्ट वेटिंग एंड होपिंग कि होली के आसपास जो है वो 400K हो जाए, तो जल्दी जल्दी करके 400K कराओ, तो हमारी फैमिली इतनी से इतनी बड़ी हो जाएगी। चलिए ढेर सारी बातों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, और बनाते हैं टेस्टी गुलाब जामुन। तो यहाँ पे गुलाब जामुन के लिए मैंने शुगर सिरप बनने के लिए रख दिया है, इसमें मैंने 4 कप व्हाइट शुगर ली है,
और 5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। इसको अच्छे से उबालना है। जब पहला उबाला है उसके बाद सिम पे करके 5 मिनट और उबालना है, हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। बाद में हल्के से फ्लेवर के लिए थोड़ा सा केसर या इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं, मैं सिर्फ इलायची पाउडर डालूंगी, बट पहले इसको पकने देते हैं। तो इधर सिरप तैयार हो रहा है और यहाँ पे है ये रेडी मिक्स, ये ईस्ट एंड का है और इसमें से जो है वो 60 गुलाब जामुन बनेंगे। मैं सारे एक साथ ही बनाऊंगी, बाकी जो है वो मैं बनाने के बाद पूरे जब तैयार हो जाएंगे तो मैं फ्रीज कर दूंगी। इनको आप फ्रीज कर सकते हैं, 60 तो कौन खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधा पैकेट आप बना लो और आधा पैकेट उठा के रख दो, वो फिर खराब हो जाता है, तो ऐसा मत करना। तो एक बार में बनाए जाते हैं पूरे पैकेट के। इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो इनको मैं फॉलो करके, जैसे कि इसमें लिखा है कि 130 to 150 ml वाटर जो है वो जाएगा, तो मैं इस पूरे सैशे को पहले खाली कर लेती हूँ एक बोल में और जितना पानी है उतना पानी डाल के नीड करके इसकी बॉल्स बनानी है, देन ऑयल में फ्राई करना है, सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये डो मैंने यहाँ पे नीट कर लिया है और उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा है ना कि 130 to 150 ml वाटर आपको ऐड करना है। मैंने सिर्फ 130 ml ही डाला है और उसी से ये अच्छा खासा सॉफ्ट बन रहा है और इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। बस अब मैं ऑयल चढ़ा देती हूँ और फिर बॉल्स बना के और इसको हम फ्राई करेंगे। इंडिया में जो गिट्स वाला मिलता था ना उसमें दूध लिखा रहता था, बट इसमें पानी लिखा है तो मैंने पानी से ही नीड किया है। बॉल्स जो है ना, मतलब इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप इस तरह से ना बॉल बना के देखें तो उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए, तो स्मूथ बॉल बन रही है। चलो फटाफट जो है वो ऑयल चढ़ाते हैं और फ्राइंग के लिए जो है वो मैं रिफाइंड ऑयल यूज करूंगी। आप घी भी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल ना यूज करें, तो इन पर्पज के लिए मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जो है ना वो हमेशा रखती हूँ घर में। तो चलो मैं ऑयल चढ़ा देती हूँ और फिर बॉल्स बना के फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे शुगर सिरप हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस 1 मिनट और पकाना है और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, तो ये डन हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल जो है हमारा वो भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है और मेक श्योर कि आपको लो टू मीडियम हीट रखनी है। कभी भी गुलाब जामुन जो है वो आपको हाई हीट पे नहीं तलना है, अदरवाइज वो ऊपर से डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। कुछ बॉल्स मैंने यहाँ पे बना ली है तो पहले मैं इनको फ्राई करूंगी। ये मैंने कवर करके रख दिया है तो बनाती रहूंगी और फ्राई करती रहूंगी, तो बहुत कायदे से मीडियम हीट पे आपको इनको फ्राई करना है। तो चलिए फ्राई करना शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट ये ही होता है, यहाँ पे डिसाइड होता है कि गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे या बेकार। तो पहले मैं एक डाल के देखती हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं फट जाए, अगर फटा तो कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, वो भी शेयर करूंगी। इसलिए मैंने बाकी अभी और बॉल्स जो हैं वो नहीं बनाई, मैंने ऐसे छोड़ दिया, इतनी ही बनाई है। तो पहले एक डाल के देखते हैं। मैंने ये पहले डाल के देखा है और ये नहीं फटा है और अच्छे से हो रहा है, इवन दो इसका साइज भी इंक्रीज हो गया है। तो बस अब मैं बाकी के भी डाल दूंगी और मीडियम हीट पे हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक
सेक लेना है। तो चलिए बस फटाफट इनको फ्राई करते हैं। अब तो सिर्फ फ्राई करना है और उसके बाद इनको सिरप में डालना है। यहाँ पे हमारा सिरप रेडी है और सिरप हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए जब हम गुलाब जामुन इसके अंदर डिप करेंगे। तो इसके अंदर से अच्छे से स्टीम आ रही है तो ये गर्म है। सेकंड बैच जो है हमारा वो फ्राई होने लग रहा है। फर्स्ट बैच यहाँ पे फ्राई करा हुआ मैंने रखा है। और जब आप सिरप में डालेंगे ना गुलाब जामुन तो सिरप हमारा गर्म होना चाहिए और जो ये बॉल्स हैं ये नीम गर्म होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑयल में से आप फ्राई करके और डायरेक्ट आप सिरप में डाल दें, आपके गुलाब जामुन पिचक जाएंगे। तो ये नीम गर्म लाइक ठंडे से होने चाहिए। जब ये वाले दूसरा बैच आपका फ्राई होने वाला हो ना कि हाँ बस अब ये आपको कढ़ाई में से निकालना है, तब तक आपका जो फर्स्ट बैच है वो ठंडा हो जाएगा। आप इसको सिरप में डालें फिर ये वाले फ्राई करके आप यहाँ पे निकालें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए और जो तीसरा बैच है वो आप फ्राई करें। तो इस तरह से जितने बन रहे हैं आप इस तरह से डालते जाएं। तो जब कढ़ाई में से दूसरा बैच निकलने वाला हो तब पहला बैच आपको गरम सिरप में डालना है। तो ये बहुत बड़ी टिप है, आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो। तो चलिए वो फ्राई हो गए हैं, मैं इनको सिरप में डालती हूँ और उनको निकालती हूँ। तो यहाँ पे सारे गुलाब जामुन मैंने डाल दिए हैं सिरप में। जो पहला बैच है वो जितना मैंने तला था ना उससे डबल हो गया है ये वाला। सेकंड बैच ये वाला थोड़ा सा बड़ा और ये है थर्ड बैच जो अभी छोटा है। तो सारे के सारे ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो इनको एक दो घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। और जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं ना तो जो सिरप है वो किसी वाइड ओपन इस तरह के पैन में बनाएं ताकि जितने भी आपके गुलाब जामुन है ना उन्हें थोड़ी सी जगह मिले फूलने के लिए ताकि रस बिल्कुल अंदर तक जाए। छोटा पैन होगा तो वो ऐसे भिज जाएंगे ना एक दूसरे के साथ, तो वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बड़ा सा पैन लें। अच्छा, उसमें काउंटिंग लिखी हुई थी कि आपको जो है वो 60 गुलाब जामुन मिलेंगे, मेरे जो है वो 48 बने हैं। मैंने शायद थोड़ा सा जंबो साइज बना दिया तो वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इतने बने हैं तो इनको अच्छे से हम अभी सोक होने देते हैं, तब तक हम कुछ और करते हैं। ऊपर चलते हैं, आपको कुछ दिखाना है। हाँ जी बिल्कुल, आपका ही तो हम वेट कर रहे थे कि आप टेस्ट करके बताओ। ऊपर से आ गया ना, खुशबू आ गई थी। आ गई थी, हम सोचा कि चलो कुछ जो है कर ले रहे हैं। इन्होंने तो कर दिया काम। हाँ कैसे बने? हाँ उसे तो बढ़िया लगे। चलो अभी आप चलो, हम भी कर ले रहे हैं अभी। हाँ जी दिखाओ, पहले तो दिखाओ। ये देखो जी। हाँ जी काट के दिखाओ। ओ माय गॉड, बाबूजी हो रहे है ना, बड़े हो रहे लाला जी। तो ठीक है रस बढ़िया बने, अच्छा चला गया अंदर तक रस। अब खा के बताओ
लाइव एक्सप्रेशन टेस्ट. हाँ वेरी गुड. ओके लाइक नॉर्मल गुलाब जामुन. ओके जो घर पे जैसे मैं उससे थोड़ा अलग टेस्ट है. अलग है जो मैं मिल्क पाउडर वाले बनाऊं उनका और इनका सेम है या अलग है उससे भी? उससे भी अलग है. उससे भी अलग है. ओवरऑल कैसा है? ओवरऑल बढ़िया टेस्ट है. बढ़िया टेस्ट है. ऐसे होना चाहिए. ऐसे होना चाहिए. तो बस अब से रेडी मिक्स ही ला के दिया करो फिर मैं बिना मेहनत वाले बनाऊंगी बिना बाद मिल्क पाउडर. हमें तो अलग अलग स्वाद खाने हैं. हम एक स्वाद पे स्टिक नहीं करेंगे. बढ़िया बने वैसे. ऑयल वॉयल तो ज्यादा नहीं सक कर रखा? चीनी के साथ फिर पता लगेगा कुछ भी हो. हाँ मिट्टे से मतलब जब चीज मिट्टी है तो ऑयल क्या करेगा अपना. चलिए जी रसगुल्ले ही बोलते हैं भाई हम इन्हें. गुलाब जामुन. ओके गुलाब जामुन के अच्छे से रिव्यू के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आए तो हाँ जी हाँ खाने वास्ते लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी. टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड वी आर सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और मैं बिहाइंड द कैमरा आज आपको इन्हें खत्म करने के बाद. नहीं ये कल तक बचाना. कल स्पेशल दिन है. कल तक बचाने मुश्किल लगाया क्योंकि इनको तो नींद भी नहीं आ रही. चार चार तो यहाँ स्वाद स्वाद अभी टेस्ट करने में तो तीन खाए गए. खाने के बाद चार या पांच खाए जाएंगे. फिर सोते टाइम जाना वो टूथपिक की चोरी से हैं. टूथपिक वाले नहीं है. नहीं नहीं मैंने ये साइज भी ज्यादा बड़ा होगा. सॉफ्ट है वो ज्यादा तो टूथपिक काम नहीं करेगी. अच्छा चलो बाय 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 निमटाते हैं. बाय बाय.